नमस्कार किसान साथियों, मैं शेखर गुप्ता आपके अपने चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आप सभी किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम आए हुए हैं चित्रकूट के एक गांव में, वहां पर हम आपको महुए से जुड़ी हुई जानकारी देंगे कि महुए से किस प्रकार के फायदे हैं, इसका उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है और बाकी सब जानकारी आपको हम वीडियो में आगे देते हैं। महुआ का फल जो होता है, महुए के फल में बहुत ही अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी। और बता दें आपको कि इसका जो तेल होता है वो बहुत सी बीमारियों में काम आता है। महुआ फूल तथा फल के साथ साथ इनकी पेड़ में जो पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियां और छाल दोनों का काम औषधि के रूप में किया जाता है। ब्रोंकाइटिस और टॉन्सिल्स जैसी बीमारियों के इलाज में भी महुआ का तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। और जैसा कि आपको बता दें कि महुआ का तेल एक केमिकल फ्री प्रोडक्ट होता है, जिसका इस्तेमाल स्किन केयर के लिए भी किया जाता है। यह त्वचा पर किसी भी तरह के दाग, मुहासे एवं स्किन वाले होने वाली जो भी समस्या होती है उनसे छुटकारा दिलाता है और इसे लगाने से त्वचा मुलायम होती है। और जैसा कि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई आदिवासी समुदाय के लोग महुआ का तेल का उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में कीड़े मकोड़ों का काटना आम बात होता है, इसलिए महुए के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तुरंत राहत मिल जाती है। कीड़े के काटने से होने वाले किसी भी प्रकार के रैशेज या लाली को राहत पाने के लिए महुए के तेल को बाहरी त्वचा पर लगाने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि आपको बता दें कि जो महुआ का तेल होता है, महुए के तेल की मालिश अगर आप अपने जोड़ों पर करते हैं तो इससे आपके जो से तुरंत राहत मिल जाती है। जैसे कि पेन के इलाज में यह महुआ का तेल आजमाया हुआ है और बहुत ही परखा हुआ है। वहीं आपको बताती हैं कि जो महुआ का तेल होता है, तो महुआ का तेल मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए भी बहुत ही उपयुक्त होता है। यह मच्छरों को भगाने का बहुत ही सरल तरीका है और इससे हमारे फेफड़ों में कोई समस्या नहीं होती है। और जैसा कि बता दें आपको कि महुआ का जो मेन काम है वो भारत के कई राज्यों में शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। और जैसा कि बता दें कुछ लोग महुए से बहुत ही डिफरेंट प्रकार की डिशेज बनाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि महुए की सेवन दूध के साथ अगर किया जाता है तो इसके सेवन से बहुत ही प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। और जैसा कि बता दें कि महुए के पेड़ में देखिए दीमक लगा हुआ है, दीमक के छुटकारे के लिए हमें इसमें कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, जिनमें मुख्य कीटनाशक मेलेथियन, क्लोरोपाइरीफॉस तथा लिंडेन हैं।